To make this kind of box, you only need one fan fold box and chart paper, scissors, fabric ball. That's it. Hello everyone, today I'll tell you from a fan fold box to convert it into a color box. सबसे पहले मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया मैं आपको ये बताऊंगी. तो मैंने एक पाउच लिया है, इसमें मैंने ब्लैक पेंस और ब्लू पेन रखे हैं, जिसमें मुझे ढूंढना ना पड़े जब मुझे ब्लैक पेन और ब्लू पेन चाहिए हों तो जल्दी से मिल जाएं. और इसमें मैंने सारे स्केचेस मेरे भाई के, छोटे छोटे भाई के स्केचेस और जो छोटे छोटे कलर्स होते हैं वो रखे हैं. कुछ पेंसिल कलर भी हैं, सब कुछ इसमें मिक्स है कि ढूंढना ना पड़े, कलर जब भी चाहिए हो तो उठा लो बस. इसमें बहुत सारी पेंसिल्स हैं, मेरे भाई का पेंसिल कलेक्शन है पूरा, तो इसकी सारी पेंसिल्स हैं इसमें. और ये उसका ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें मैंने सारी ज्योमेट्री रखी है उसकी. और ये ऑयल पेस्टल कलर हैं, वाटर कलर्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, ड्राइंग पेंसिल है और ये पोस्टर कलर्स हैं. तो ये सारा कलर बॉक्स हो गया है ऑलमोस्ट. और इसमें मैंने फेबिकॉल, स्टेपलर और कुछ टेप और ये पेंसिल की नुक्की वगैरह जो कलेक्शन बताया था ना मैंने पेंसिल का, वो है. और ये एक मैच बॉक्स था जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक जो पिन बॉक्स करके, छोटी छोटी जो पिन्स आती हैं पेपर पिन्स वो मैंने इसमें रखी हैं. इसमें जंग लग गई है अब, फिर भी मैंने इसको रख रखा है. और ये एक स्केल है और ये एक सीजर है. ये जो कपड़े काटने वाली सीजर थी मैंने इसको अब पेपर कट करने वाली सीजर बना दिया है. नेक्स्ट बॉक्स इज माई दिस सीविंग बॉक्स किट. इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया मैं आपको ये बताऊंगी. तो पहला है, ये एक बॉक्स आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा. इसमें मैंने सारे अपने धागे वागे रख रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है. और इसमें जो मशीन में जो लगाते हैं नीचे वो है. और ये जो पेंसिल की नुक्की वाली जो आती थी मैंने उसमें सुइयाँ रख रखी हैं अपनी छोटी, और ये बड़ी सुई यहाँ पे रख रखी हैं. और ये कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं वो यहाँ रख रखे हैं, ठीक है. और ये एक धागा मेरे पास, मोटा मोटा धागा, तो मैंने इसको ऐसे ही रख रखा है. और इस डिब्बी में मैंने अपनी ये जो तंबाकू वाली डिब्बी होती है वो है, इसमें मैंने अपने हुक्स रख रखे हैं, ये हुक्स. और ये मेरा पीछे का था जो पोर्शन वो खो गया है पता नहीं कहाँ. तो मैंने इसमें पहले मैं ऐसे रखती थी कि इसमें जो कनेक्टर होता था वो रखती थी, और इसमें जो पीछे वाला होता था मैं इसमें वो रखती थी. और इस फैब्रिकॉल के डिब्बे में मैंने कुछ मोती रख रखे हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं. और ये जो मेजर करने वाला होता है वो है कपड़े मेजर करने वाला. और इसमें मैंने बहुत सारे बीड्स रख रखे हैं, स्टोन्स हैं, बहुत सब कुछ है इसमें मिक्स अप करके रख रखा है मैंने, कि मुझे जब भी चाहिए हो तो मैं इसमें से ले सकूं आराम से. एक ही बॉक्स में सब कुछ हो, मेरी स्विंग किट हो. और ये है एक जो बची हुई टेप के जो आते हैं एक्स्ट्रा, ये वो है. इस पर मैंने थ्रेड्स जो अलग अलग कलर के एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं मैंने वो रख रखे हैं ऐसे, जब भी चाहिए हो तो इसमें से ले लो. और इसमें भी मैंने कुछ ये गोल्डन थ्रेड है ये रख रखा है. और ये कुछ कलावा भी है तो मैंने इसमें रख रखा है कि सारे जो थ्रेड बॉक्स समथिंग पूरा हो गया ये. और ये इसमें कुछ जो बड़ी वाली जो होती है इसे क्या बोलते हैं, सूजा करके, तो इसको मैंने ऐसे एक बॉक्स बनाया था DIY, उसमें रख रखा है इसे. नेक्स्ट बॉक्स इज माइन मेडिसिन बॉक्स. इसमें मैंने एक फ़ोन बॉक्स लिया है जिसमें फ़ोन्स आते हैं, ऐसा फ़ोन बॉक्स में मैंने टेपिंग करके लगा दिया है इसको. इसमें जो टैबलेट्स होती हैं उसमें वो रख रखी हैं मैंने, ठीक है. और यहाँ पे मैंने जो सीरप्स होते हैं वो रख रखे हैं,
ये विक्स वेपर रब है, ये झंडू बाम है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे साइड में रख दिया इसको। कुछ ग्लूकॉन डी के पैकेट्स हैं और ये बैंडेड वगैरह है, और इसमें कुछ ट्यूब्स हैं जो चाहिए होते हैं हमें घाव वाव के लिए या और किसी चीज़ के लिए। ये इन्हीला है, ये मैंने साइड में रख रखा है, और ये कुछ सिरप्स हैं, इसको भी मैंने एक जो मिठाई के डिब्बे होते हैं उसमें स्टोर करके रखा है। ठीक है, एंड दिस इज़ माय मेकअप बॉक्स। इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है कि मैंने एक पुराना ड्राइम बॉक्स को यहाँ पे टूट गया था वो, तो उसको ऐसे साइड में ले किया है। ठीक है, उसमें मैंने अपनी सारी नेल पेंट्स जो हैं मेरे पास वो रख रखी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ये लिपस्टिक बॉक्स, इसको जो खाने के डिब्बे होते हैं वाइट कलर के, जो खाना होटल्स वगैरह से आता है, इसमें मैंने अपनी सारी लिपस्टिक स्टोर करके रखी हैं। और साइड में मेरे जो फाउंडेशन छोटा छोटा था ब्लू हेवन का, ये लाइनर, ये भी रख रखा है क्योंकि साइड में स्पेस बच रहा था तो मैंने वो रख लिया। और इसमें मैंने अपनी क्रीम्स रख रखी हैं गोल डिब्बे में, ये कोई मेडिसिन का बॉक्स था जिस मैंने कन्वर्ट कर दिया है इसको होल्डर के टाइप में। और ये मेरा शेडो किट है, और ये कुछ बिंदियाँ हैं मेरी मम्मा की, क्लचर है, और ये मैंने मैच बॉक्स का DIY किया था, ये एक मैंने इसको नोटबुक की तरह कन्वर्ट कर दिया है, इसमें मैंने ईयरिंग्स रख रखे हैं अपने, तो ये अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और इस ये है मेरे पास एक छोटा सा पाउच था जिसमें मैंने अपनी सारी क्लिप्स रख रखी हैं। अब ये नेक्स्ट है, ये इसमें भी मैंने अपनी कुछ क्लिप्स होल्ड करके रखी हैं, ये कार्ड शादी के जो कार्ड्स होते हैं उसमें मैंने क्लिप करके रख दिया है इसको। ये भी कुछ बिंदी रख रखी है मैंने, ये कुछ बिंदी रख रखी है मैंने, और ये कुछ आता है बच्चों का खाने का, उसमें मैंने अपने पिंस रख रखे हैं, ये मुझे ऐसे क्यूट लग रहा था तो मैंने इसका कुछ किया नहीं। ठीक है, और ये मैंने एक DIY और किया था जो मैंने आपको पहले बताया था। ये प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।